चलिए आपको साथ लेके चलते हैं अपने साथ दिल्ली टू जिम कॉर्बेट के ट्रिप पर, रोड ट्रिप पर। XUV 700 में होने वाला है। वैसे तो जिम कॉर्बेट का रास्ता यहाँ से भी जाता है, लेकिन हमें गूगल मैप दिखा रहा है स्ट्रेट जाके जाने के लिए। ये जो रास्ता है ये भी जिम कॉर्बेट जाता है एज पर दी इंफॉर्मेशन देयर ऑन द बोर्ड, बट हम गूगल को फॉलो करते हुए जा रहे हैं, तो हो सकता है गूगल हमें बेटर रास्ता दिखाए, बट आगे से शायद लेफ्ट दिखाएगा हमें। एक फ्लाईओवर है, फ्लाईओवर को ना चढ़ के साइड से लेना है हमें और फिर लेफ्ट मुड़ जाना है। राइट, तो हमारे सेकंड गूगल यहाँ बैठे हैं जो हमें गाइड कर रहे हैं, फ्लाईओवर पे नहीं चढ़ के हुए वहाँ से लेफ्ट लेंगे तो वो ज्यादा बेटर। हाँ, इसमें मैप रटा नहीं है, ये सिर्फ वीडियो जो सामने चल रहा है ना, मैप उसको देखना, वो बेटर रोड है। ये इनकी वाइफ का इनके ऊपर तीर था। इसी फ्लाईओवर के हम बात कर रहे थे, ये है मुरादाबाद वाला एक्सप्रेस जो हाईवे है, ये ऊपर जा रहा है, अब हम नीचे से जा रहे हैं क्योंकि कॉर्बेट के लिए हमें यहाँ से जाना है। यहाँ से भी अभी रामपुर जो है 16 किलोमीटर है, बाकी बीच में ये बैटरी रिक्शा आ गया, आगे बस भी खड़ी है, जिसमें आपकी फुल या थ्री लेन्स रोड नहीं होगी। अब हम यहाँ से लेंगे लेफ्ट, थोड़ा सा क्राउडेड है, थोड़ा सा स्ट्रेच है बस, वो है वैसा सा क्राउडेड सा। रोड्स की भी हालत कुछ ऐसी सी है, टूटी सी रोड्स हैं यहाँ पर भी, और वैसे भी आज जुम्मा है ना, तो ये पूरा एरिया वैसे ही थोड़ा सा कंजस्ट, हाँ क्राउडेड ज़्यादा है ना, डेंस ज़्यादा, डेंसली पॉपुलेटेड। तो यहाँ से ले रहे हैं लेफ्ट, अगर हम उस बोर्ड को रीड करें तो यहाँ से दुर्गापुर चौराहा 17 किलोमीटर, अलीगंज 40 किलोमीटर, काशीपुर इज 52, नैनीताल के लिए भी यही जाता है विच इज 132, एम रामनगर इज 79। तो जो हमारा कॉर्बेट है वो रामनगर के आसपास ही पड़ता है, तो इसलिए 79 किलोमीटर अभी यहाँ से रामनगर है। एक बार हम देखिए कौन सा एक्सप्रेस वे है, कुछ मैप पे दिखा रहा है कौन सा हाईवे है, काशीपुर रोड है। ओके, तो अभी हम एक्चुअली मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट में हैं। जैसे हम आपको बता रहे थे कि सिंगल रोड है, तो ये कम्प्लीटली सिंगल रोड है, इसी वजह से डिस्टेंस कम है लेकिन ट्रेवल टाइम बहुत ज़्यादा बता रहा है, क्योंकि हम यहाँ स्पीड कर ही नहीं पा रहे हैं, बीच में जो बैटरी रिक्शा भी चल रहे हैं, स्लो मूविंग व्हीकल्स बहुत है इस रोड के ऊपर, तो इट विल टेक सम टाइम। जब तक हम यहाँ से कहीं अच्छी जगह बाहर किसी बड़े टाउन में नहीं निकलते, तब तक रोड्स ऐसी ही रहने वाली हैं यहाँ पर। दिन का टाइम भी है, ट्रैफिक भी ज़्यादा है, कभी सामने से ट्रैक्टर आ रहे हैं, कभी ट्रक चल रहे हैं आगे, तो बस यही हाल है इस रोड का। देख लीजिए कितनी मुश्किल से हम ओवरटेक करते हैं, कैसे ओवरटेक करने का सोचते हैं, आगे से दूसरी गाड़ी आ रही होती है तो हमें वापस ट्रक के पीछे लग जाना पड़ता है। पीछे ही बोला मैंने राधर, आपको नीचे सुनाई दिया होगा, कोई बात नहीं।
के साथ साथ और हम आगे बढ़ते हुए धीरे धीरे फिर से रोड टूटी हुई नजर आई और ये हम अनंत ने साइड से काटते हुए मिट्टी निकालते हुए आगे बढ़ते हुए चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। सामने से एक औरत क्रॉस कर रही है सड़क बाल्टी लेके और ये क्रच की आवाज आई, फिर से एक गड्ढा आया, फिर दूसरा गड्ढा आया बहुत बड़ा सा और एक गड्ढे में निकालते हुए बहुत अच्छे से निकाला, बहुत स्मूथ से कट कट मारते हुए हम निकले गड्ढे में से। यहाँ पे एक पेट्रोल पंप भी है, आप चाहें तो पेट्रोल डलवा सकते हैं, डीजल भी डलवा सकते हैं, सीएनजी यहाँ मिलता नहीं है। ये गन्ने का स्टॉल लगा हुआ है, गन्ने का जूस ही पी सकते हैं हम यहाँ से। इससे ज्यादा डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन और कोई इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको और कहीं नहीं मिलेगा, इससे ज्यादा मिलेगा जिसका नाम है ट्रैवल विद अंशी। प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और नोटिफिकेशन की घंटी भी बजा दीजिएगा ताकि अगला वीडियो। ओके जी, सो शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहली जगह जो है वो है मंकी पॉइंट। अब मंकी पॉइंट जो है वो एक्चुअल ये जो लेफ्ट है यहाँ से ये जाता है देहरादून की तरफ और स्ट्रेट हम जा रहे हैं रामनगर और जिम कॉर्बेट की तरफ। ये अभी ट्रक जो है फ्लाईओवर के ऊपर चढ़ेगा लखनऊ जाने के लिए। ये जो फ्लाईओवर है ये इधर देहरादून इधर लखनऊ। क्योंकि मैंने बोर्ड पढ़ा था इसलिए मैंने बोला कि वो देहरादून है। हम अभी इसी सिंगल रोड पे कंटिन्यू कर रहे हैं ड्राइव करना। जैसे ये पॉइंट आउट कर रहे थे कि मैं राधर बहुत बोल रहा हूँ तो मैं इस स्टेटमेंट में राधर नहीं बोलूँगा। मैं भी दो बार बोल दिया यही बताने के लिए कि मैं बार बार राधर नहीं बोल रहा इसलिए मैं इसलिए मैं राधर नहीं बोलूँगा। राधर आई विल नॉट से राधर अगेन जस्ट टू क्रॉस माय राधर। कभी से हाय से हाय। कहाँ हम जा रहे हैं? जंगल। कहाँ जा रहे हैं? जंगल। वाओ, क्या करेंगे जंगल जाके? लायन देखने, टाइगर देखने। अभी कैसे खा देगा? यस, टाइगर देखने। वो अभी तो बस ट्रेन जा रही है, देखो चुक 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 चुक। वो देखो ट्रेन। ब्लू, येलो, ब्राउन। तो ये जगह है काशीपुर। यहाँ पर हम दो मिनट के लिए रुके, हमने कुछ कोल्ड ड्रिंक्स लेने थे इसके लिए रुके थे हम यहाँ पर। और बीच में हमने शिकंजी भी पी, बड़ी बड़ी बेकार सी शिकंजी थी वो, पता नहीं क्या सा टेस्ट था, अजीब सा। तो हमने किसी तरह से वो ख़त्म कर दिया, निकल गए। बट ये थोड़ा क्राउडेड सा टाउन है, काशीपुर है ये। और अब यहाँ से रामनगर बस कुछ ही दूर रह गया है और इसी काशीपुर से रास्ता कटता, जैसे मैंने आपको पहले भी दिखाया था देहरादून का। देहरादून का तो वो मेन हाईवे से कट रहा था, अंदर सिटी से भी रास्ता कटता है। सब चीज़ें अवेलेबल हैं यहाँ, आप रुकना चाहें तो होटल्स भी हैं यहाँ पर, शॉप्स भी हैं, काफ़ी शोरूम्स वगैरह भी हैं। तो इट्स अ प्रीटी गुड टाउन, यू कैन से प्लेस बहुत अच्छी है यहाँ। होटल भी अच्छे अच्छे से। और हम यहाँ पर पेट्रोल डलवाने के लिए रुके हैं। सॉरी, इसमें तो पेट्रोल डलेगा, डीजल डलेगा। कोई बात नहीं, आज मैं अंशिका वाला काम करूँगा, डीजल का रेट पढ़ के बताऊँगा यहाँ पे कितना है। 90.23। चलिए डीजल डलवा के फिर मिलते हैं। शुरू हो जाता है तो अब ऐसे ही आपको रोड्स पे दिखेंगे सीन्स जहाँ पर लेफ्ट एंड राइट साइड पे ट्रीज होंगे, थोड़ा सा ग्रीनरी रहेगा, शेडोज रहेंगे, अच्छा रहेगा, शेड्स रहेगा,
तो हम थोड़ी देर ट्रिप एंजॉय करते हैं, रोड एंजॉय कीजिए आप भी साथ साथ हमारे। ये जा रही है बोखाल, बुआखाल, मारचुला, अभी मैं पढ़ नहीं पाया, रामनगर भी यही जा रही है। मारचुला में एक्चुअली वो रामगंगा रिजॉर्ट, दो तीन रिजॉर्ट है एक्चुअली वहाँ पे, जो कॉर्बेट थोड़ा सा क्रॉस करके पड़ता है रिवर के पास से, बिल्कुल बहुत अच्छे से रिजॉर्ट है। हाँ आई थिंक जो हमारा रिजॉर्ट है वो लेट्स फाइंड आउट कि उसकी लोकेशन क्या है और हम उसका भी रिव्यू बनाएंगे, आपको पूरा शेयर करेंगे वो भी। हाँ जी, वो भी मारचुला में ही है राइट। तो जितने भी रिवर के पास के रिजॉर्ट सारे मारचुला में ही हैं, बाकी जैसा भी उसका रिव्यू होगा हम आपको डेफिनेटली, उसमें एक वीडियो होगा वो आपको शो करेंगे, उसमें रहना कैसा होगा, खाना कैसा रहा, जो भी रहा, और बाकी जो भी हमारी डे एक्टिविटीज़ होंगी कॉर्बेट में रहते हुए वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। सो जस्ट टू डे ट्रिप, वीकेंड ट्रिप है ये। जो भी इन्फॉर्मेशन होती है, जो आपकी प्लेसेस टू विजिट हैं यहाँ पर, जो भी इन्फॉर्मेशन इसके रिगार्डिंग होगा विल शेयर विद यू। अभी थोड़ी देर में मिलते हैं, चलिए थोड़ी देर में बात करते हैं। NH 309 पे आगे है मारचुला, विच इज 37 किलोमीटर, मोहान 24 किलोमीटर, गर्जिया और रामनगर। एक्चुअली ये सारे शायद गेट है, गर्जिया भी एक गेट है जिम कॉर्बेट में एंट्री करने का। हमारा जो रिजॉर्ट है वो है मारचुला में, विच इज अराउंड 37 किलोमीटर फ्रॉम हेयर नाउ। तो हाँ आगे की तरफ पड़ता है, हाँ उसके आसपास डिफरेंट गेट पड़ता है, तो अलग अलग गेट्स हैं कॉर्बेट में एंट्री करने के। तो जब सफारी करेंगे तो मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन हम उसकी भी दे देंगे कि क्या चार्जेस है सफारी के, कौन से गेट से एंट्री होगा और क्या प्राइजेस चल रहे हैं आजकल, वो सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको उस पर बता देंगे। अभी फ़िलहाल हम इसी रोड पे कंटिन्यू कर रहे हैं, कोई मेजर टर्न तो आया नहीं है। वैसे आप गूगल मैप फॉलो करते हुए चलोगे तो आराम से ही, बहुत सिंपल सा रास्ता है, स्ट्रीट सा रास्ता है, आप चलते चले जाओगे। हाँ बीच में आपको काफ़ी सिटी पड़ेगा, टाउन्स पड़ेंगे बीच में, जिसकी वजह से आप स्पीड पिकअप नहीं कर सकते हो, पर ठीक है, अब हर जगह के रास्ते आपको हाईवे तो नहीं मिल सकते ना, इसलिए लेट्स सी आगे क्या कितनी देर और लगते हैं हमें पहुंचने में। जो भी फर्दर अपडेट होगा आपको बता देंगे। टोल्स हमारे 3 ही लगे थे इनफैक्ट रास्ते में, एक 120 समथिंग का था, एक 105 का था और एक 70 का था। फाइनली कॉर्बेट के हम जंगल में एंटर हो रहे हैं, ये एंट्री पॉइंट है। सेल्फी पॉइंट भी है अलग अलग, तो भाई दरवाजा खोलता हुआ भी। तो यहाँ पे स्पीड लिमिट 40 है, कहते तो हैं यहाँ से प्लीज गो स्लो बिकॉज एनिमल्स कभी भी यहाँ से क्रॉस कर सकते हैं, लेकिन हमने कभी देखे नहीं, हमने कभी क्रॉस नहीं किया यहाँ से, कभी क्रॉस करते हुए किसी एनिमल को देखा नहीं है, बट अगर हम अंदर ध्यान से देखें तो कभी एक आधा डियर वगैरह दिख जाते हैं।
ड्राई सीजन है ना अभी आपका, अभी को नींद आने लग गई है, अभी स्लीप है। अभी तक हम जंगल के अंदर ही चल रहे हैं, 40 की यहाँ पे स्पीड लिमिट है और जगह जगह बीच में बोर्ड्स लगे कि टाइगर क्रॉसिंग है या एनिमल्स कभी भी कहीं से आ सकते हैं, दैट्स व्हाई यहाँ पे लिखा गया है कि आप स्पीड कम ही रखिए, तभी सब लोग एक ही लाइन में सिंपल तरीके से आराम से ड्राइव करते हुए चल रहे हैं। रोड्स अच्छी बनी हुई है, नो डाउट अच्छी तरीके से मेंटेन्ड है यहाँ पे सब कुछ। हाँ, नेटवर्क भी आपको ब्लीक सा ही मिलेगा, कम ही मिलेगा, किसी सब्सक्राइबर का थोड़ा होगा, किसी का सब्सक्राइबर है, किसी का नहीं होगा, डिपेंड करता है आपने किसको सब्सक्राइब किया होगा, कौन सा नेटवर्क प्रोवाइडर ले रखा है आपने। एक्चुअली यहाँ ये वाटर क्रॉसिंग है काइंड ऑफ, जब बारिश होती है तो यहाँ से पानी फ्लो करते हुए जाता है, इसलिए ऐसे लूप जैसी रोड्स बनी हुई हैं यहाँ पर। ये देखिए अनदर बोट जो वाइल्ड लाइफ कन्वर्सेशन या कोई भी यहाँ से क्रॉस कर सकता है जंगल से, तो इसलिए ऐसे ही आपके इंडिकेशन मिलते रहते हैं बीच में। जितना भी रास्ता हमारे रिजॉर्ट तक का बचा है पूरा रास्ता ऐसे ही मिलेगा हमको, तो इसलिए हमें यही स्पीड और यही मेंटेन करके चलना पड़ेगा। ये देखो अभी पीछे क्या खा रहा है, पॉपकॉर्न्स, मम्मा के साथ शेयर करते करते। रिजॉर्ट शुरू हो जाते हैं एक्चुअली। देख एलिफेंट, अभी एलिफेंट, अभी एलिफेंट, अभी एलिफेंट कहाँ देखा था, नानी के साथ देखा था। ओह कैमल भी है, भी है। अभी कैमल, टू टू कैमल्स। अभी देखो यही से देखते हैं, कॉर्बेट टाइगर हट रिजॉर्ट्स, यहाँ पे भी बहुत सारे रिजॉर्ट्स हैं, यहीं से मेजरली रिजॉर्ट्स का सारा एरिया शुरू हो जाता है। देखो कितने सारे कैमल्स, कैमल्स देख, अभी 2-3 कैमल्स है। ये है वो रिवर वाला, द रिवर एज, नहीं ये नहीं था, वो आगे है। हाँ सेम वही प्रॉब्लम है, हाँ जी। और यहीं से ही आपके डिफरेंट जैसे एडवेंचर जोन्स हैं वो शुरू हो जाते हैं। विलेज वाटिका रिजॉर्ट्स हैं यहाँ पे, डिफरेंट रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ पे, डिफरेंट मेन है ना यहाँ पर। हाँ ये मेन हब है एक्चुअली, हम जैसे लोग जो प्री बुकिंग करा के आते हैं वो दूर रहते हैं, जो बुक नहीं करा के आते ना वो यही ढूंढते हैं। तो फिर आप सिक्योर्ड रहते हो ना, पता होता है कि आपको कि हाँ भाई हमारी तो सीट बुक्ड है या रिजर्व्ड है हमारी प्लेस। कैमल, कैमल है देखिए सब जगह, यहाँ कैमल राइड भी कराते हैं लोकल एरियाज में, ले जाते हैं बिठाते हैं। तारंगी जंगल सफारी, आप चाहे तो जंगल सफारी का ऑनलाइन बुकिंग भी करा सकते हैं या काउंटर्स पे भी करा सकते हैं, या फिर आप जिस रिजॉर्ट में बुकिंग करा रहे हैं वो भी आपके लिए जंगल सफारी बुक कर सकते हैं, दैट्स एन इजी ऑप्शन। Thank you.
जिम कॉर्बेट का सफ़र तो अभी शुरू ही हुआ है, आगे और भी सफ़र को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जो कि है ट्रैवल विद अंशी। लाइक कमेंट और शेयर अपने दोस्तों के साथ ज़रूर कीजिएगा और इस चैनल को ग्रो करने में मदद कीजिएगा। हम आपको मिलेंगे अगले वीडियो में एक अगले एक्सपीरियंस के साथ। तब तक आप ट्रैवल विद अंशी को देखते रहिए और मुस्कुराते रहिए।